प्रतिनिधि हुआ करते थे और आपके द्वारा ही चुने जाते थे, चाहे विधायक हो सांसद हो, और आपके द्वारा ही चुने गए विधायक हो कि संख्या के बल पर सरकारें भी बनती थी। जिस राज्य के लोग ज्यादा विधायक जिस दल से चुनते थे उस दल की सरकार बनती है, उस गठबंधन की सरकार बनती है। आज 22 साल इस राज्य के गठन के हो गए और 22 साल में भाजपा चुनाव इस राज्य में हुए विधानसभा के और आपके द्वारा ही प्रतिनिधि चुने गए, लेकिन उन 18-19 सालों में क्या हुआ और इन 3 सालों में क्या हुआ, इसका अंदाजा इसका आकलन ये आम जनता को लगाना चाहिए। आम जनता और लगाती भी है, ये बात नहीं है कि आप नहीं देख रहे हैं कि आपके गांव टोला पंचायत में आपके प्रखंड में आपके जिला मुख्यालय में कैसे काम हो रहे हैं, कैसे विकास की गति रफ्तार पकड़ी हुई है और तेजी से आगे की ओर भाग रही है। आप आज जिधर जिधर दौड़ाएंगे, चाहे वो सुदूर हमारा कोई पंचायत हो, कोई सुदूर गांव हो, या आपका जिला मुख्यालय गढ़वा हो, चारों ओर आपको विकास विकास दिखाई देगा, चाहे किसी क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो। आज गढ़वा के ऊपर एक कलंक था कि पूरे झारखंड में सभी जगह कहीं 8 घंटे कहीं 7 घंटे कहीं 12 घंटे कहीं 20 घंटे बिजली मिलती थी 2019 तक, लेकिन 2019 दिसंबर तक आप सभी लोग जानते हैं कि बिजली की स्थिति क्या थी आपके जिले में गढ़वा में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब हम लोग गढ़वा शहर में प्रवेश करते थे तो अगर बिजली दिखती थी तो हम लोग कहते थे कि आज बिजली है, ये यहाँ की स्थिति थी, यहाँ का नजारा था। लेकिन इन 3 वर्षों में आपने देखा होगा कोरोना काल के समय जहाँ सारा कुछ ठप था और आपके माननीय मुख्यमंत्री जब यहाँ किसी भी कार्यक्रम में आए, चाहे वो संघर्ष